प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है और इको स्टेटमेंट का क्या काम है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि PHP जो है वो HTML के साथ मिलकर कैसे काम करती है। मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाऊंगा जिसमें हम HTML फील्ड की वैल्यूज को किस तरह से PHP के अंदर पास करते हैं और फिर PHP किस तरह से उन वैल्यूज को हमारे डेटाबेस के अंदर भेज देती है। तो इस प्रोग्राम को, इस डेमो को आपने ठीक ढंग से समझना है, ठीक है? छोटा सा ही, ज्यादा कोडिंग की लाइंस नहीं होगी, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर ये चीज आपके समझ में आ जाती है तो आपके लिए वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा फिर, ठीक है? तो चलिए चलते हैं ड्रीमवीवर के ऊपर जहाँ पे हम इस कोड को लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML में एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लेते हैं, एक आधी फील्ड बना लेते हैं, ठीक है? एक बटन बना लेते हैं, जैसे फेसबुक में होता है, एक फील्ड होती है, मैसेज टाइप की और सेंड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं PHP का भी यूज करूंगा, HTML का हम कर ही रहे हैं, साथ में CSS का भी यूज देखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ फॉर्म टैग से, ठीक है? फॉर्म, ये फॉर्म वही है जिसके अंदर पूरा का पूरा वेब पेज बनता है, ठीक है? ये हमने शायद पहले नहीं किया होगा, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्शन। एक्शन का यूज होता है यानी कि हमारे फॉर्म की जो वैल्यू सबमिट हो रही है उसके बाद कौन सा पेज ओपन होता है, इसको हम फिलहाल खाली रख लेते हैं। हम सेम पेज के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है? मेथड जो है वो रहेगा पोस्ट, ठीक है? इसका भी आपको मैं यूज समझा दूंगा। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज, फॉर्म क्लोज। पेज को हम कर लेते हैं सेव, इसका नाम रख लेते हैं pro1.php और www के अंदर ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव, ठीक है? अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोड, एंटर योर नेम, एक बना लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है? इनपुट टैग से ही सारे की सारी हमारी फील्ड्स जो हैं वो बनती हैं। टाइप टेक्स्ट का नाम रख लेते हैं, जैसे मान लो एंटर योर नेम भरना है तो यहाँ पे मान लो एस नेम करके यहाँ पे लिख देते हैं इस फील्ड का नाम, ठीक है? ये जो मैंने फील्ड बनाई ये टेक्स्ट होगी और इसका नाम है एस नेम। इसका जो नेम प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? वैल्यू, वैल्यू जो है हम रन टाइम में भरेंगे, वो यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं। हाँ, और ये फील्ड कितने साइज की बने, इस फील्ड का जो साइज है लगभग 50% तक रख देते हैं, ठीक है? इसको कर देते हैं हम सेव। अब इसको रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर यानी कि लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे आपको पता है ये तरीका यहाँ से रन करने का, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 1.php, ठीक है? ये बन गई हमारी वो फील्ड यहाँ पे नेम। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्टाइल। स्टाइल करने से पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं सबमिट का बटन। तो सबमिट बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोड, इनपुट टाइप नाम रखेंगे इसका सबमिट, नेम नेम भी इसका रख लेते हैं सबमिट, और वैल्यू जो इसकी यहाँ पे लिख देते हैं सेंड, यहाँ पे क्लोज और कर देते हैं इसको सेव और को चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट, ठीक है? रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, ये बटन बन गया यहाँ पे साथ में, ठीक है? एंटर योर नेम, सेंड बटन बन गया साथ में। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं स्टाइल, ठीक है? इसके लिए आपको पता है स्टाइल के लिए CSS यूज करने के लिए स्टाइल टैग है। स्टाइल हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे फॉर्म है तो फॉर्म के ऊपर हमने ये एक्शन अप्लाई करना है, तो या तो टैग नेम से भी हम स्टाइल में इसको, इसका जो लेआउट है, इसका जो डिज़ाइन है चेंज कर सकते हैं बाय टैग नेम भी, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आईडी, इसका
इसका एट्रीब्यूट एक आईडी, आईडी जो है इसका नाम रख लेते हैं हम माई फॉर्म, ठीक है, और इसका जो है वो नेम, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म को हमने कैसे कंट्रोल करना है, स्टाइलिंग से, ठीक है, हैश माई फॉर्म, और ऊपर से जो इसकी अलाइनमेंट है वो रख लेते हैं, इसका जो मार्जिन है टॉप में से, अलाइनमेंट बाद में सेट करते हैं, मार्जिन जो इसका टॉप में से रख लेते हैं, टॉप में से 200 पिक्सल का, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये टॉप में से जो मार्जिन है इसका वो 200 पिक्सल्स रखा हमने और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये चाहिए हमें जैसे यहाँ पे सेंटर में रख लो इसको, चाहे यहाँ पे राइट साइड में इसकी अलाइनमेंट को फिक्स कर लो, तो उसके लिए एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल के अंदर, इसकी स्टाइलिंग के लिए पहले तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो अलाइन, यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है सेंटर, ठीक है, तो इसको हम सेंटर से भी सेंटर में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, सेंटर, और यहाँ पे फॉर्म के नीचे सेंटर, पूरा का पूरा फॉर्म ही सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया हमारा कंट्रोल सेंटर में। अब थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं इसको, इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि ये बॉडी टैग है ना, बॉडी का जो बैकग्राउंड है इसको कर देते हैं चेंज, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा, अगर आईडी यूज नहीं करना है तो सीधा टैग का नाम लिख के भी हम अप्लाई कर सकते हैं बॉडी। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का जो पिक्चर भी रख सकते हैं और कलर भी रख सकते हैं, ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड जो है वो हम यहाँ पे लाइट लाइट कलर रख लेते हैं इसके, लाइट येलो, सेव, रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन गया कंट्रोल, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, जैसे हम सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू पास हो जाती है डेटाबेस के ऊपर और डेटाबेस से किसी दूसरे यूजर के ऊपर, ठीक है, मान लो ये किसी फेस या मान लो ये फेसबुक की फील्ड है, यहाँ पे हमने कोई मैसेज टाइप किया जैसे हाय, ठीक है, हेलो गाइस, ये मान लो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेंड किया, सेंड करते ही ये वैल्यू पास होती है हमारी पीएचपी के अंदर। अब पीएचपी इस वैल्यू को कैसे होल्ड करती है, ठीक है, डेटाबेस तक इस वैल्यू को पहुंचाती है हमारी पीएचपी, और पीएचपी के साथ एसक्यूएल भी काम करती है, ठीक है। एसक्यूएल कैसे करेगी, पहले तो हम इस वैल्यू को होल्ड करेंगे पीएचपी के अंदर, फिर उसको भेज देंगे हम डेटाबेस के अंदर, तो जो हम काम करेंगे फिलहाल तो इसको होल्ड करेंगे पीएचपी के अंदर। जैसे अगला कॉन्सेप्ट चलेगा चैप्टर का, तो मैं आपको इस वैल्यू को डेटाबेस में कैसे पास करेंगे और दूसरा यूजर फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे देखेगा इस वैल्यू को, ठीक है, वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम फिलहाल सेंड करते हैं तो यहाँ पे ये खाली हो जा रहा है, लेकिन हमने कोडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये वैल्यू जो है वो सेंड करने के बाद कहाँ पे जाए, ठीक है, तो ये काम जो हम करेंगे वो करते हैं पीएचपी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ पीएचपी का, लेस देन पीएचपी साइन आउट करूँ पीएचपी, और यहाँ पे साइन आउट करके और यहाँ पे क्लोज किया, और इसके नीचे फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कोड। अब होता क्या है एग्जैक्टली कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने वैल्यू भरी, ठीक है, और यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे हम सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक कोड जो है वो इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कि सेंड के ऊपर हम लिखें तो उस कोड के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा काम करे, ठीक है। अब देखो सेंड के ऊपर जैसे मान लो हम क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो ये काम करती है हमारी पीएचपी, ठीक है, यानी कि सबमिट बटन का नाम क्या है, इसका नाम से इसको हम कॉल करेंगे पीएचपी के अंदर, ठीक है, नेम से कॉल करेंगे हम सबमिट बटन को, कि सबमिट बटन को हम जैसे दबाते हैं तो क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लॉजिकल स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है, इफ इज सेट, ठीक है, और यहाँ भी यूज करते हैं पोस्ट। जैसे ही हम सबमिट बटन दबाते हैं ना, तो ये जो फॉर्म का यहाँ पे मेथड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका एक मेथड है पोस्ट, तो ये वाला मेथड क्या करता है, इन वैल्यू को उठाता है और पीएचपी के अंदर ले जाता है, ठीक है, मेथड पोस्ट। सबमिट को जैसे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू जो है वो पोस्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से पोस्ट होके कहाँ जाएगी, पीएचपी के अंदर जाएगी। इफ इज सेट, यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट, नीचे से पोस्ट होगी, और पोस्ट कौन कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले तो बटन का नाम ही पोस्ट होगा, यहाँ से सबमिट बटन, कि सबमिट बटन को हम कॉल कर रहे हैं
कि वो वैल्यूज को पोस्ट करे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज और ये दूसरी ब्रैकेट क्लोज, और पोस्ट होके क्या काम होना चाहिए ये हम लिखते हैं इस कोड में, ठीक है। इफ इज सेट पोस्ट सबमिट, यदि हम सबमिट बटन को सेट करते हैं मतलब पोस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाए हमारे पास पीएचपी के अंदर। पीएचपी में हम जो वेरिएबल होते हैं वो यूज करते हैं फिर वैल्यूज को होल्ड करने के लिए, ठीक है। किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेते हैं, चाहे सेम नाम भी रख सकते हैं जैसे, ठीक है। पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डॉलर साइन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉलर साइन के साथ लिख देते हैं मान लो नेम, या एन यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, या सीधा एस नेम ही लिख दो, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे नीचे से पोस्ट होके कौन सा आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो वैल्यू है जो भरेंगे वो बाई नेम हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट होके जो आएगा हमारे पास वो आएगा इसका नेम, इसके अंदर मतलब जो वैल्यू भरेंगे, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू हम भरेंगे वो आ जाएगी बाई नेम से, इसको कॉल कर रहे हैं कि वो उसकी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, ठीक है। अब देखो इसको हम चेक करते हैं इको कमांड से फिर कि वाक्य में ये वैल्यू इसके अंदर आई है कि नहीं आई है, ठीक है। इसको कर रहा हूं मैं इको, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली यूज करके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको करते हैं सेंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो रहा है ये इको, यानी कि वैल्यू यहाँ पे भरी, कोड ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, इसने पीएचपी के अंदर वैल्यू को पास किया और पीएचपी इस तरह से हमें यहाँ पे दिखा रही है इको कमांड से, ठीक है। पीएचपी कैसे दिखा रही है ये हमें इको कमांड से, हालांकि ये हमारा काम पीएचपी का ये नहीं होता है कि इसको हम इको से दिखा रहे हैं, इधर काम तो ये होता है कि इस वैल्यू को हम सीधा पास कर देते हैं डेटाबेस के अंदर। अब वो वाला काम जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में समझाऊंगा, तो अगर फिलहाल इस प्रोग्राम को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप बार बार इस प्रोग्राम को देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आती है तो आपके लिए वेबसाइट बनाना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी था, कल फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।